गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने सदिश के प्रकार पढ़े थे, उसमें पांच प्रकार कंप्लीट हो चुके थे। छठा है और लास्ट है संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश में जैसा कि नाम से ही, जैसे पांच मेंबर ने पढ़ा था नाम से ही पता लग रहा था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी नाम से ही पता लग रहा है कि संरेखीय सदिश हम किसे कहेंगे। आप डायग्राम से इसको क्लियर समझ लेंगे। ये हमने दो सदिश लिए हैं, एक ये वाला सदिश और दूसरा ये वाला। ये मान लो ए बी सदिश है, ए बी, और ये सदिश है सी डी। इसी प्रकार हम मान लो एक सदिश और ले रहे हैं, ये ए बी सदिश है और ये सी डी सदिश। तो इसमें एक ही रेखा के अनुदिश, एक ही दिशा में समांतर या प्रति समांतर, इसको बोलते हैं प्रति समांतर। विपरीत दिशा में है ना, ये इसको बोलते हैं प्रति समांतर, और ये बोला जाता है समांतर। एक ही दिशा में है तब तो बोलेंगे समांतर, और अगर विपरीत दिशा में है तो बोलेंगे प्रति समांतर। तो वेद सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश समांतर या प्रति समांतर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संरेखीय सदिश कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? वे सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश समांतर या प्रति समांतर होते हैं, संरेखीय सदिश कहलाते हैं। तो ये हमारे छह प्रकार के सदिश थे। तुल्य सदिश या समान सदिश, दूसरा था असमान सदिश, तीसरे नंबर पे था एकांक सदिश, चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था विपरीत सदिश, फिर शून्य सदिश, और छठे नंबर पे हमने पढ़ा है संरेखीय सदिश। तो सदिशों के प्रकार में, छह प्रकारों में मैंने आपको बताया था कि जो प्रमुख है, जो मुख्य है, जो इम्पोर्टेंट है वो है एकांक सदिश, जो आपके आगे तक काम आएगा। बाकी ये सब तो है ही, शब्दों से ही पता लग रहा है, इतना कोई याद करने वाली बात या इतना कोई बहुत ज्यादा डीपली जाने की बात नहीं है। इसमें शब्दों से आपको आसानी से पता लग जाएगा कि इसमें क्या होगा। तो यहां से आपके ये कंप्लीट हो गया है सदिशों के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र। अभी कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र में आप ये तो जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी स्थान का हमें अगर पता लगाना है तो हम एक पर्टिकुलर जगह का नाम लेते हैं जो फेमस है या जो मुख्य है, उसके स्थान के पास में या उसके पीछे। जैसे मान लो कोई फेमस मंदिर है तो उस मंदिर के पास, या कोई मोहल्ला मान लो फेमस है, या कोई मॉल अगर फेमस है तो उस मॉल के पास, मॉल के पीछे, मॉल के आगे। तो मॉल वहां पर क्या हो गया, या जो मंदिर है वो वहां पर क्या हो गया, वो हो गया निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र तो हमें अगर किसी भी बिंदु का, किसी भी कण का, अगर हमें उसकी स्थिति का पता लगाना है
तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हम एक निर्देश तंत्र लेंगे, जैसा कि अपन ने मंदिर लिया, हॉस्पिटल लिया, मॉल लिया, तो ये सब क्या है, ये निर्देश तंत्र है। तो किसी भी बिंदु का, किसी भी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए एक तो अपन लेंगे मूल बिंदु, ठीक है, और एक अपन लेंगे तीन अक्ष जो परस्पर लंबवत है, तो एक मूल बिंदु और तीन परस्पर लंबवत अक्षों से निर्मित जो निकाय है, निर्मित जो तंत्र है, उसको हम कहते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। और इसके बारे में आपने बहुत ग्राफ भी बनाए हैं, इसके बारे में आपने मैथ में 10th में पढ़ा भी है, तो वही उसी को अपन कार्तीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और उसमें निर्देशांक होते हैं एक्स अक्ष के निर्देशांक, वाई अक्ष के निर्देशांक, जेड अक्ष के निर्देशांक, ये अलग अलग निर्देशांक हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कार्तीय निर्देश तंत्र की परिभाषा देखेंगे। समष्टि, अब ये समष्टि क्या है, समष्टि मतलब आकाश, कहीं भी पूरे पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर किसी भी स्थिति में कहीं भी कोई भी वस्तु की हमें अगर स्थिति पता करनी है तो उसको हम कहते हैं समष्टि। समष्टि मतलब आकाश, पृथ्वी के चारों तरफ का जो एरिया है, उस पूरे एरिया में कहीं भी, उसको बोला जाता है समष्टि। तो समष्टि में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु व परस्पर लंबवत तीन अक्ष से निर्मित निकाय कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे ये इस प्रकार से, और ये अपन ने कल भी बनाया था, ये अपन मान लेते हैं एक्स अक्ष, ये अपन मान लेते हैं वाई अक्ष, और ये मान लेते हैं अपन जेड अक्ष। ये है मूल बिंदु O, इसको अपन बोलेंगे मूल बिंदु। तो मूल बिंदु और हमने तीन अक्ष लिए जो परस्पर लंबवत हैं, ये इसके लंबवत है, और वाई का मैंने आपको बताया था, सॉरी जेड का मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से होता है, ये ऐसे देख रहे हो आप। अब देखो आप इसमें एक्स में और जेड में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और वाई में और जेड में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और x और y में तो दिख ही रहे सामने बना दिख रहे हैं 90 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार से तीनों अक्ष परस्पर लंबवत है, और इन तीनों अक्षों व इस निर्देश मूल बिंदु से निर्मित जो भी निकाय बना, जो भी तंत्र बना, उसको अपन क्या कहेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र। इसको आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, ऐसे देखो ये, ठीक है ना, इसको आप x अक्ष मान सकते हो, इसको आप y मान सकते हो, और इसको आप z मान सकते हो, या ये x, ये y और ये z, ये भी ले सकते हो। या आप जिस भी रूम में आप बैठे हो, रूम का कोना, मैं तो क्लासरूम के कोने का एग्जांपल बताते हूँ। क्लासरूम में आप जिस भी रूम में बैठे हैं, उसमें कोने कोना जो है वो तो हो जाएगा आपका मूल बिंदु, ठीक है, और कोने से तीन जो है वो
तीन जो है वो अक्ष निकल रही है, ठीक है, एक इस तरफ, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये ऊपर वाली जो ऊपर जा रही है। तो तीनों देखिए आप कोने पर, तीनों जो हमने अक्ष बनाई है तीनों एक दूसरे के लंबवत बनी हुई है। और हमें इसी प्रकार से तीन तल मिलते हैं, ये वाला तल और जिस पर हम खड़े हैं वो वाला तल, समतल जिसको अपन कहते हैं। तो इधर वाली दीवार, सामने वाली दीवार और जिस पर अपन खड़े हैं वो वाला, तो ये तीन तल होंगे और तीन ही अक्ष होगी और एक मूल बिंदु होगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा तंत्र है, इसको अपन क्या कहते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र। इसमें एक्स अक्ष का हमने यूनिट वेक्टर लिया था आई कैप, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश पढ़ा था ना, ये यहां काम आएगा। वाई अक्ष का हमने यूनिट वेक्टर लिया था जे कैप, और जेड अक्ष का हमने लिया था के कैप। तो यहां ये निर्देश तंत्र है। अब इस निर्देश तंत्र में किसी भी पिंड की जो गति है वो तीन प्रकार से हो सकती है। तीन प्रकार से कैसे हो सकती है, एक तो होता है एक विमीय गति, एक विमीय, एक विमीय का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु केवल एक दिशा में गति करे, या जब भी वो गति कर रहा है तब केवल एक अक्ष के निर्देशांक बदलें, बाकी के दोनों जो हैं वो नियत रहें। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो एक विमीय गति होती है। अब वो जो गति है वो किसी भी दिशा में हो सकती है, एक्स दिशा में हो सकती है, वाई दिशा में हो सकती है, जेड दिशा में हो सकती है। जैसे हम एक ये सरल रेखा बना रहे हैं इस दिशा में, ठीक है, मैं यहाँ एक निर्देश तंत्र बनाई देती हूँ। ये हमने ले लिया, ये आपको पता भी है, आप जानते भी हैं, लेकिन उसको हमने एक नाम दे दिया कि एक विमीय है। बल्कि जैसे कि आप जो ग्राफ आप बनाते हैं, आपने टेंथ में जो ग्राफ बनाए हैं, मैथ में जो ग्राफ बनाए हैं, आपने बिंदु अंकित किए हैं, किए ना, एक्स वाई निर्देशांक आपने ग्राफ बनाया होगा, बनाया था ना, उसमें एक्स और वाई के आप निर्देशांक लेते हो, यहाँ से आप पैमाना मानते हो, यहाँ से मानते हो, और यहाँ पर आप ये डॉट लगाते हो ना, ग्राफ में बनाया होगा, वही बात है यहाँ पर। लेकिन इसमें आपको इसको एक नया नाम दे दिया, और क्या नाम दिया, एक विमीय। वो कब होगा, जब कोई भी पिंड किसी पर्टिकुलर एक दिशा में गति करता है, वो किसी भी दिशा में कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पिंड इस दिशा में गति कर रहा है, तो ये कौन सी दिशा है, एक्स दिशा, तो निर्देशांक केवल एक्स दिशा के बदलेंगे, वाई दिशा के निर्देशांक नहीं बदलेंगे। जैसे मान लो पिंड यहाँ था, पहले यहाँ था, इस बिंदु में अगर यहाँ पर कोई अगर किसी वस्तु की स्थिति है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे आप बता सकते हो क्या, केवल एक्स का निर्देशांक प्राप्त होगा, वाई का निर्देशांक जीरो होगा और जेड का निर्देशांक भी जीरो होगा। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x 0 और 0, ठीक है। अगर बिंदु मान लो यहां आ गया, अब वस्तु मान लो यहां से चलकर यहां आ गई, तो कौन सी स्थिति बदलेगी, इन तीनों निर्देशांकों में से आप कौन से किसको बदलोगे, केवल x बदला या ये जो y और z है ये भी बदल जाएंगे, बता सकते हो ना। तो यहां केवल आप x बदलोगे, क्यों, क्योंकि y अभी भी जीरो है, इस बिंदु पर भी क्या होगा, y जीरो है और z भी जीरो है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ ये इस गति को क्या कहोगे आप, एक विमीय गति। इसी प्रकार यदि मान लो कोई पिंड इस बिंदु पर गति कर रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है, पहले वो यहाँ था और फिर वो मान लो ऊपर चला गया, तो यहाँ इसके निर्देशांक क्या होंगे, जीरो। x का निर्देशांक क्या होगा, जीरो। y का निर्देशांक क्या होगा, y, क्योंकि y तो बदलेगा, और z का निर्देशांक क्या होगा, जीरो, z नहीं बदला,
एक्स ने बदला, केवल कौन बदला? वाई। ठीक इसी प्रकार अपन जेड के लिए भी ले सकते हैं। तो तीनों अक्षों में अगर कोई वस्तु किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करती है, किसी एक दिशा में अगर गति करती है, तो वह गति क्या कहलाती है? एक विमीय गति, जिसमें केवल एक निर्देशांक बदलता है, बाकी के दोनों जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, नियत रहते हैं, वो नहीं बदलते। तो आप ये लिख सकते हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र में जो पिंड की गति है वो तीन प्रकार से हो सकती है। नंबर एक है एक विमीय गति, जिसमें आप चित्र बना सकते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड और पिंड यहां है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स जीरो जीरो, ये एक विमीय गति मानी जाएगी। इसी प्रकार दूसरा, अगर कोई पिंड वाई दिशा में गति कर रहा है तो यहां अगर है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे जीरो, वाई और जीरो। और ठीक इसी प्रकार यदि जेड अक्ष की अनुदिश गति है, यहां अगर कोई पिंड है और इस दिशा में अगर गति कर रहा है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे जीरो, जीरो और जेड। क्लियर? इसको अपन लिखेंगे कैसे, लिखा कैसे जाएगा? ये के लिए जो दिशा बदल रही है, जो दिशा हमें प्राप्त हो रही है वो कौन सी है? एक्स दिशा, वाई दिशा या जेड दिशा? कौन सी दिशा में गति हो रही है? एक्स दिशा में हो रही है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, दिशा को व्यक्त कैसे करेंगे? आपको पता है एक्स दिशा की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम क्या लेते हैं? आई व्यय। ठीक है, इसको अपन देखिए कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे एक्स सदिश, ऊपर दिशा लगा दी, बराबर इसका परिमाण कितना है? यहाँ एक्स परिमाण है ना, ये दूरी, परिमाण का मतलब यहां से यहां तक की दूरी निर्देश बिंदु से, वो एक्स, और यहां लिख दोगे आप आई कैप। तो इसको व्यक्त कैसे करोगे? एक्स सदिश बराबर एक्स और आई कैप, यहां ये परिमाण है और ये दिशा। इसी प्रकार इसको आप कैसे व्यक्त करोगे? वाई सदिश बराबर वाई जे कैप। इसी प्रकार इसको कैसे व्यक्त करोगे? जेड सदिश बराबर जेड के कैप। ठीक है, यहां पर यहां जो ये लिखा हुआ है ये संख्या है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि यहां पर मान लो ये दो है, दो जीरो और जीरो, यहां पर ये है मान लो जीरो तीन और जीरो, और यहां पर ये है मान लो जीरो जीरो और वन। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे? एक्स सदिश बराबर, यहां क्या लिखा हुआ है? दो लिखा हुआ है ना, तो यहां लिखो क्या? दो आई कैप। परिमाण कितना है? दो, और दिशा कौन सी है? एक्स। यहां क्या लिखोगे? वाई सदिश बराबर क्या लिखा है? परिमाण कितना है? तीन, तो यहां जाएगा तीन जे कैप। इसी प्रकार यहां जेड का मान कितना है? एक, तो यहां जाएगा जेड सदिश बराबर एक के कैप। और जनरली अपन वन को लिखते नहीं है, तो केवल यहां के कैप भी आ सकता है, यहां पर केवल आप के कैप भी लिख सकते हो, क्योंकि वन को नहीं लिखा जाता। बात समझ में आ गई सबके? तो इस प्रकार से ये जो गति है ये क्या कहलाती है? एक विमीय गति।
तो किसी भी वस्तु की स्थिति अगर केवल एक दिशा में परिवर्तित होती है तो उसको अपन कहते हैं एक विमीय गति। तो आज आप इतना पढ़ोगे, इसको समझोगे, इतना आप नोट्स बनाओगे इतने के, और बाकी का जो दूसरा बिंदु है और इसकी परिभाषा भी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।